So, hello guys, I'm Nitin Gupta and welcome back to The Classic Affair. भाई बढ़िया शादी सीजन चल रहा है, ढोल लगाड़े बज रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की जो शादी शॉपिंग है जोरों शोरों से चल रही होगी. एंड आई एम प्रीटी श्योर यार कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूजन है भी कि यार किस ओकेजन पे हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो उसके लिए आपने हमारे चैनल पर ये सभी वीडियोज जो है वो देख ली होंगी. देखो यार, कपड़े ना हम लोग डिजाइन वगैरह देखकर इंस्पिरेशन लेकर इधर उधर से हम लोग रेडी करवा ही लेते हैं. जो हमें दिक्कत आती है वो आती है फुटवेयर की. हमें समझ भी नहीं आता कि भाई कौन से कपड़े के साथ में, कौन से आउटफिट के साथ में किस तरीके का फुटवेयर पहनना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि जुगाड़ वगैरह बिठाते हैं एंड कुछ भी जो है पहन लेते हैं, जो कि हमें इस वीडियो के बाद से बिल्कुल भी नहीं करना. हर तरह के आउटफिट के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको फुटवेयर फॉर वेडिंग फंक्शंस बताने वाला हूँ. एंड भाई पहले ही बता दूं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड यार पहली बात बता दूं कि भाई ज्यादा वीडियो में मैं ज्ञान नहीं देने वाला हूँ. वीडियो जो है बिल्कुल टू द पॉइंट रखूंगा ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हो एंड जिस काम के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो आपका वो काम बन जाए. तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारे फुटवेयर नंबर वन के साथ में, विच आर गोइंग टू बी योर ब्रोग्स. एंड भाई ब्रोग्स हैं द बेसिक्स ऑफ एनी ड्रेस शूज. मेरे पास में यहाँ पे दो कलर्स अवेलेबल है, विच आर ब्लैक एंड ब्राउन. एंड मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपके वार्डरोब में ब्लैक एंड ब्राउन ये दोनों कलर डेफिनेटली जो है वो होने चाहिए. एंड कौन से कलर के शूज को किस कलर के सूट के साथ में पेयर अप करना है, उसके लिए आप लोग ये कलर कॉम्बिनेशन वाला चार्ट रेफर कर सकते हो. पर नितिन भाई एक बात बताओ यार, आपने ऑक्सफोर्ड या फिर डर्बीज रिकमेंड क्यों नहीं करे? क्योंकि भाई ब्रोग्स पर ना इस तरीके का पैटर्न या फिर डिजाइन बना होता है, जो कि मैं एक्चुअली बोलूंगा कि भाई आपके शूज पर होना चाहिए अगर आप लोग अपने शूज को पहन रहे हो किसी पार्टी वेयर पर्पस के लिए. तो अगर आपको अपने शूज के स्टाइल पर या डिजाइन पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, तो सिंपली गो फॉर योर ब्रोग्स एंड अपने ब्रोग्स को पेयर करो विद योर सूट्स. एंड यहाँ पे सूट्स जो है वो हमारे नॉर्मल सूट्स होने वाले हैं, बेसिक सूट्स होने वाले हैं. यहाँ पे मैं हमारे टक्सीडोस की बात नहीं कर रहा. तो नितिन भाई यार टक्सीडोस के साथ में क्या पहने? तो भाई टक्सीडोस के साथ में हम लोग पहनने वाले हैं नंबर टू, जो कि है हमारे पेटेंट लेदर शूज. एंड पेटेंट लेदर शूज वो वाले शूज होते हैं जिनके या तो कुछ पार्ट में या फिर पूरे पार्ट में इस तरीके की ग्लॉसी फिनिश होती है. अब इनमें आपको दो तरह के पेटेंट शूज मिलेंगे, एक होंगे आपके स्लिप-ऑन यानी लोफर्स एंड दूसरे वाले हमारे होने वाले हैं लेस्ड ऑक्सफोर्ड्स. अब भैया चॉइस जो है वो आपकी है कि आपने किस तरीके के पेटेंट लेदर शूज जो है वो पहनने हैं. मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है स्लिप-ऑन्स पहनो, क्योंकि इनके डिजाइन में ना हमें ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी. दो डिजाइन्स मैंने यहां पर खुद ही पहने हुए हैं. पहला वाला हमारा है हॉर्सबेड लोफर, यानी आप लोग डिजाइन देख के बोल ही सकते हो कि यार कितना बढ़िया लग रहा है. एंड दूसरा वाला हमारा यहां पर है पेटेंट लेदर में टैसल लोफर, येट अगेन अ रियली वेरी गुड डिजाइन. एंड भाई टैसल लोफर में मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी वो ये है कि बीच में ना इसके एक वेलवेट जैसा फैब्रिक दिया हुआ है, जो कि आपके टक्सीडो के कॉलर से भी मैच करेगा. एंड वंस अगेन कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप लोग जो है ये वाला चार्ट रेफर कर सकते हो. तो भाई अब तक हम लोगों ने ना दो तरह के फुटवेयर स्टाइल्स जो है कवर कर लिए हैं, विच आर बेसिक्स, नॉर्मल सूट्स के लिए अलग एंड टक्सीडोस के लिए अलग. तो अब जिन फुटवेयर के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम लोग हमारी स्टाइलिंग गेम को थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा और क्लासी बनाएंगे. एंड मैं बात करने वाला हूं अबाउट मॉन्क स्ट्रैप्स. अब आप अपने कौन से मॉन्क स्ट्रैप को सूट के साथ में पेयर अप करोगे, कौन से वाले को इंडो वेस्टर्न के साथ में पेयर अप करोगे, ये डिपेंड करता है इंटायरली उसके डिजाइन के ऊपर. अब मेरे पास यहाँ पे दो तरह के मॉन्क स्ट्रैप्स अवेलेबल हैं, एक है हमारा सिंगल मॉन्क स्ट्रैप एंड दूसरा है डबल मॉन्क स्ट्रैप. सिंगल मॉन्क स्ट्रैप में यार थोड़ी सी ना एथनिक वेयर वाली फील आती है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने सिंगल मॉन्क स्ट्रैप को पेयर अप करो इंडो वेस्टर्न के साथ में या फिर कुर्ता पजामा जैसे आउटफिट के साथ में. एंड हमारे डबल मॉन्क स्ट्रैप उनको हम लोग पेयर अप करेंगे हमारे सूट्स के साथ में. एंड भाई प्लीज एक बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप लोग अपने डबल मॉन्क स्ट्रैप खरीद रहे हो, उनके ऊपर जो डिजाइन हो बड़ा लग्जूरियस एंड बड़ा क्लासी लुक दे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारे एथनिक शूज. एंड भाई ये वाले जो हमारे शूज हैं ये सूटेबल रहेंगे फॉर हैवी कुर्ता पजामा एंड इंडो वेस्टर्न. एथनिक शूज बेसिक स्लिप-ऑन्स हैं, लेकिन जो इनका डिजाइन है बहुत ही क्लासी लग रहा है. एंड आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बहुत ही एलिगेंट लग रही है. यहाँ पे जो कलर मैंने पिक किया है वो है क्रीम कलर, जो कि काफी न्यूट्रल कलर है एंड काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मैं पेयर अप कर सकता हूँ. बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके जो एथनिक शूज हैं उनका कलर आपके आउटफिट से मैच होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी इस्टेब्लिश होनी चाहिए. अगर आपका आउटफिट ब्लैक कलर का है तो आपके एथनिक शूज भी ब्लैक कलर के होने चाहिए. जो भी डिजाइन मेरे को पसंद आए, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगे, उन सबका लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है. नेक्स्ट फुटवेयर हमारा आता है मोजरी. भाई मोजरी बेसिकली हमारी जूते की तरह होती है, लेकिन आगे से ये जो है कर्ल नहीं होती. इनको मैं रिकमेंड करूंगा आपको कुर्ता पजामा के साथ में. एक बारी को चाहो ना यार तो नेहरू जैकेट कॉम्बिनेशन के साथ में भी पेयर अप कर सकते हो, बट प्लीज हैवी कुर्ता पजामा एंड इंडो वेस्टर्न के साथ में पेयर अप मत करना. उनके लिए हम लोग पहनेंगे हमारे एथनिक शूज. अब यहां पर मेरे पास में है तीन तरह के मोजरी. सबसे पहली मेरे पास में है ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर डिजाइन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है एंड इसको मैंने पेयर अप करा है विद ब्लैक कुर्ता पजामा. सेकंड मेरे पास में है डार्क ब्राउन कलर की मोजरी, जिसको मैंने पेयर अप करा है प्रिंटेड पिंक कलर का कुर्ता प्लस व्हाइट पजामा. एंड आप लोग देख सकते हो भाई कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है. एंड लास्ट में मेरे पास में है टैन कलर की मोजरी, जिसको मैंने पेयर अप करा है ग्रीन कलर के कुर्ते के साथ में. तो यार इन तीन कलर में से मैं आपको दो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल खरीदो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस तरीके के कुर्ते ज्यादा पहनते हो. फाइनली आती है हमारी इंडियन चप्पल, जिनको हम लोग कोल्हापुरी चप्पल भी कहते हैं. एंड ये सूटेबल है फॉर लाइट कुर्ता पजामा. बेसिकली वो कुर्ता पजामा कॉम्बिनेशन जिनको आप लोग छोटे मोटे फंक्शन जैसे घर में कोई पूजा हो गई या फिर डे टू डे बेसिस पर पहन सको.
सो गाइस दिस वाज इट टुडेस वीडियो एंड भाई वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड यार आप लोगों को और अच्छे से जानने के लिए आपके लिए और यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को अपनी सिटी जरूर बताओ एंड हमारी आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी भी दबा दो और कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो या फिर कोई डाउट हो देन यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर सो गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में सी यू ऑल